नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स। जैसे हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। निफ्टी को देखकर हमें पता चल जाता है कि मार्केट में अब तेजी का रुख है या मंदी का रुख है। तो सिमिलरली अगर हम कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है आईकॉमडेक्स का बुलडेक्स। बुलडेक्स मतलब बुलियन इंडेक्स। अगर बुलियन इंडेक्स में तेजी है तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि पूरे सोने चांदी में एक तेजी का रुख है। तो कल के सेशन में हमने बुलडेक्स के अंदर इनिशियली तो काफी बड़ी गिरावट देखी, जो 15,800 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। बट एकाएक यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है साउथ सी में, साउथ चाइना सी में, जिसकी वजह से ये तेजी हमने देखी है। साथ में आज शाम से फेड चेयरमैन की स्पीच है जैक्सन होले में, जिसकी वजह से भी मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी। चांदी में एक छोटा हार्मोनिक पैटर्न बना है तो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अगर 67 के ऊपर होल्ड रहता है तो प्राइजेस 70 के लेवल भी दिखा देता है, वॉलिटिलिटी भी है मार्केट में। इन सब में अगर आपको ट्रेड करना है तो बेटर है आप बुलियन डेस्क ले लीजिए, जहां पे आपको एक मोमेंट। तो आज के लिए हमें लगता है कि 16,200 के ऊपर होल्ड होने पे हम इंडेक्स में तेजी देख पाएंगे, जो 16,650 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर कल के सेशन की बात करें तो बड़ी गिरावट के बाद हमने बड़ी रिकवरी आते हुए देखी। गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग आई है 1.5% की और चांदी में 5.5% की रिकवरी आई है और प्राइस 67,500 का लेवल छू चुका था। टेक्निकली 1970 के ऊपर अभी भी प्राइस नहीं है और ना ही $28 के ऊपर, बट फिर भी जिस दिन से रिकवरी आई है ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि 1970 से 1985 का लेवल गोल्ड में और 28 से $28.5 का लेवल चांदी में दिखा सकता है। जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की अगर बात करें तो 52,100 से 200 तक का लेवल इनिशियली, या 52,500 तक का लेवल, 52,500 का लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, बट 52,200 से 52,300 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकता है और चांदी 70 के करीब जा सकती है। क्रूड में अब तक मैं बता रहा था कि रुकिए, वेट कीजिए, बट अब ध्यान रखिए 32-25 के ऊपर क्लोज दे चुका है। 32-30, 32-40 की रेंज में लीजिए। 3100 का स्टॉप लॉस और 3500 का टारगेट एटलीस्ट मिलना चाहिए। क्रूड में पोजिशनली बाय करके चलिए। नेचुरल गैस मार्केट में आज इन्वेंट्री है, पॉजिटिव रहेगा, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। 190 का लेवल तोड़ने पे बेच के चलिए, 182-183 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। बेस मेटल यूएस और चाइना के बीच में तनाव के चलते सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई। कल हार्मोनिक पैटर्न एक बना था कॉपर में सेलिंग का, बट जिस ढंग से मार्केट में वॉलिटिलिटी है तो आई थिंक मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। बट ओवरऑल बेस मेटल में आज लॉन्ग से बचिए, थोड़ा जंप रह सकता है बट सस्टेनेबल जंप नहीं रहेगा। वहीं अगर हम एलएमई की बात करें, आज काफी मिक्स व्यू है तो कोई बड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट बड़ी लॉन्ग पोजिशन से बचना चाहिए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोने चांदी ऑलरेडी हमने देखा है और क्रूड में 43 के ऊपर होल्ड करने पे या 43.50 का लेवल तोड़ने पे हम 45.5 तक का $2 की तेजी मिनिमम देख पाएंगे। क्रूड में ध्यान रखिए, नेचुरल गैस में गिरावट का रुख रहेगा। 190 का लेवल तोड़ने पे 185 से 184 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। सोने चांदी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है जिसके चलते सोने चांदी में तेजी का रुख रह सकता है। साथ में आज का डेटा पॉइंट देखे तो यूएस प्रीलिमिनरी जीडीपी के आंकड़े आने जो स्टेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा आ रहा है जो डॉलर को सपोर्ट कर सकता है, बट इसके साथ साथ हम फेड चेयरमैन की स्पीच और जैक्सन होले में जो मीट है ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी। साथ में हमने पेंडिंग होम सेल्स का आंकड़े आते हुए देखे जो काफी खराब है, जो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए खराब रहेगा और बेस मेटल के लिए खराब रहेगा। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में ड्रॉप है जो थोड़ा बहुत प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, बट वो डिस्काउंट हो चुका है। ध्यान रखिए एक तूफान भी आया हुआ है जो नेचुरल गैस और क्रूड को दोनों को सपोर्ट करेगा। तो आज दिन के सेशन में नेचुरल गैस में गिरावट है बट इवनिंग सेशन में फिर से तेजी मिल जाएगी। गोल्ड के अगर चार्ट की बात करें तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखा रहा है। अगर 52,100 का लेवल तोड़ दे तो हम 52,800 तक का भी लेवल दिखा दे, तो थोड़ा ध्यान रखें, ट्रेड कीजिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। वहीं नेचुरल गैस में हम एक पुलबैक देखेंगे जो करीबन 180 के आसपास का लेवल दिखाकर ही तेजी करेगा या 192 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर हम तेजी देख पाएंगे। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो चाइना और यूएस के बीच में तनाव के चलते बड़ी तेजी तो नहीं है, बट हो सकता है प्राइजेस 525-26 का लेवल दिखाने के बाद गिरावट ले। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे हम कमोडिटी के अपडेट टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।